वेलकम टू अमीरों का मनाली साउथ हॉल। लिटरली यार देखो यहाँ पर सब देसी ही देसी हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ तेजस। और आज बहुत दिनों बाद मैंने फिर से कैमरा उठाया है। पिछले कुछ 4 या 5 दिनों से मैं सिर्फ ये एरिया जो है वो समझ रहा था, यहाँ का सिस्टम समझ रहा था, ट्रांसपोर्ट समझ रहा था, कॉलेज भी गया थोड़ा, कॉलेज का भी सिस्टम समझ गया, जो ट्रैवलिंग में जो टाइम वाइम आने जाने को लगने वाला है और वो सब, और ग्रोसरी वोसरी का भी थोड़ा देख लिया यहाँ पर। और आज फाइनली संडे है और आज मैं जाने वाला हूँ साउथ हॉल गुरुद्वारे में, और लंगर भी खाऊंगा और दर्शन भी करूंगा गुरुद्वारे के। साउथ हॉल जो है वो यहाँ से कुछ 1 आवर 24 मिनट्स बता रहा है मुझे 2 ट्रेनें बदलनी पड़ेंगी और बस भी लेनी पड़ेगी। तो लेट्स गो, देखते हैं आज का दिन हमारा कैसे जाएगा। तो आज मौसम तो काफ़ी अच्छा है, अभी तक तो काफ़ी सनी था, बट अभी थोड़ी जाके छाँव हो गई है। यहाँ पर मौसम का कुछ भरोसा नहीं, इसके लिए जैकेट लेके ही निकलना पड़ता है। ऑल्दो मैंने अभी पहना नहीं है, अच्छा मौसम है, इनर डाला है, जैकेट हाथ में कैरी करना ही पड़ता है। यहाँ पर बस में भी ऐसे जो व्हील चेयर पे होता है उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट है, एक लिफ्ट है जहाँ से वो ऊपर जा सकते हैं। जैसे अभी आंटी गए हैं व्हील चेयर से सीधा बस के। तो यहाँ से मुझे पहले जुबली लाइन लेनी है, जुबली लाइन से मैं बेकर स्ट्रीट जाऊँगा, फिर बेकर स्ट्रीट से मुझे जो बेकरलू लाइन है वो लेनी है, और वहाँ से पैडिंगटन जाना है, बेकरलू लाइन से मुझे पैडिंगटन जाना है, और फिर पैडिंगटन से मुझे वापस से ट्रेन बदलनी है और एलिजाबेथ लाइन लेनी है जो सीधा मुझे साउथ हॉल लेके जाएगी। तो ट्रैवलिंग तो बहुत है, 3 ट्रेनें बदलनी है। बट तो अभी मैं थोड़ा शाणा बन के, मुझे उतरना था बेकर स्ट्रीट पर मैं वाटरलू ही उतर गया हूँ, और यहाँ से बेकरलू लाइन चलती है और ये है वाटरलू स्टेशन। बहुत ही ज़बरदस्त यार, यहाँ पर एयरपोर्ट के जैसा सिस्टम है, नीचे ये लगाया हुआ है जो एयरपोर्ट पे जैसा होता है, फ्लैट वाला एलिवेटर, पता नहीं मुझे इसको क्या बोलते हैं, बट बढ़िया है यार। ये पैडिंगटन स्टेशन तो ये अपने मुंबई का बीटी स्टेशन जैसा लग रहा है, एकदम सेंट्रल जंक्शन स्टेशन लग रहा है। यहाँ से बहुत सारी लाइन्स चलती है, एलिजाबेथ लाइन और बेकरलू लाइन, नॉर्दर्न लाइन, सब चलती है यहाँ से, और काफ़ी बड़ा स्टेशन है। जो GWR है ये मुझे लगता है यूरोप तक जाती है ये, तो ये शायद वो एकदम मेजर स्टेशन जैसा है अपने CST के जैसा। यहाँ स्टेशन पे ही एक साइकिल स्टैंड भी है, बहुत सारी साइकिल पड़ी है, और ये आ गई मेरी ट्रेन, यहाँ तक आई है, यहीं से ही वापस जाएगी। थोड़ी अलग टाइप की ट्रेन लग रही है ये, ट्यूब नहीं है, काफ़ी अलग है, इसका भी एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा होगा। यार अंदर से भी काफ़ी अलग है, ये अलग टाइप की सीटिंग है थोड़ी। तो मैं अभी जस्ट साउथ हॉल पे उतरा हूँ, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी है स्टेशन पे वो है ये पंजाबी में लिखा हुआ है साउथ हॉल। लिटरली भाई पूरी देसियों वाली फील आ गई है, पंजाबी में लिखा है साउथ हॉल, तो वहाँ पर भी लिखा है पंजाबी में, हर जगह पंजाबी में लिखा है साउथ हॉल। ये है साउथ हॉल स्टेशन, और वो दिख रहा है गुरुद्वारा है वहाँ पर, वहाँ पर निशान साहिब दिख रहे हैं गुरुद्वारे के। यहाँ पर आते साथ ही ऐसा लग रहा है कि पूरे देसी मसालों की स्मेल आ रही है, पता नहीं क्यों, ये शायद मेरा वहम है, बट आज अच्छा खाना मिलने वाला है, गुरुद्वारे का लंगर है। यहाँ पर एक और रेस्टोरेंट है सरवाना भवन करके, वहाँ भी जाके खाऊंगा मैं, तो बहुत बहुत अच्छी स्मेल आ रही है हवा में यहाँ की। तो यहाँ ठीक स्टेशन के बाहर ही है साउथ हॉल गुरुद्वारा, और बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पर आगे। ये है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, और यहाँ का ये बड़ा वाला गुरुद्वारा है, यहाँ पर 2 गुरुद्वारे हैं, और ये है सरवाना भवन जिसका मैं बोल रहा था रेस्टोरेंट में खाऊंगा। और ईशान भैया का अभी मुझे कॉल आया, उन्होंने बोला जलेबी जंक्शन करके है, वहाँ भी ज़रूर जाना, यहाँ से कुछ 10 मिनट की वॉक है, वहाँ भी जाऊँगा और देखते हैं आज शायद जलेबी भी खाऊँगा। तो गुरुद्वारे एंटर करते ही मैंने सिर पे रुमाला बांध लिया, और थोड़ी ठंड भी हो गई है तो मैंने जैकेट भी डाल लिया, और ये रहा गुरुद्वारे की एंट्रेंस। अभी अंदर जाके देखता हूँ, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है खाने की। ਕਿਆ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਾਜਲ ਕੇ ਕਦੇ ਬੁਲਾਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
अभी अभी मैं गुरुद्वारे से बाहर आया हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद मैंने कड़ा प्रसाद खाया, बहुत दिनों बाद मैंने लंगर खाया, बहुत दिनों बाद घर जैसा खाना खाया और ये एरिया लिटरली ऐसा लग रहा है मुझे मैं अमृतसर में आ गया हूँ। इतने सारे इंडियंस हैं, इतने सारे हमारे जो सिख भाई हैं वो हैं और यहाँ पर जो दुकानों के भी नाम हैं वो पूरे पंजाबी में लिखे हुए हैं, मोर फूड्स। आगे एक क्वालिटी स्टोर करके है, वहाँ पर भी जाऊँगा, वहाँ से थोड़ा मैं सामान ले लूँगा जो इंडियन सामान है, जैसे कि घी और अमूल बटर, ये सब यहीं से मिलेगा, मुझे किसी ने बताया। और यहाँ पर ग्रोसरीज़ भी अगर सस्ती होंगी तो यहीं से ले लूँगा मैं। और गुरुद्वारे के अंदर बहुत ही पीसफुल था लिटरली, यहाँ पर जो लोग भी थे वो लाइन से जा रहे थे, ऐसे नहीं कि भग दौड़ करके आगे जाके दर्शन करके फटाफट निकले, सिस्टमेटिकली एक सिस्टम बना हुआ था, वही लाइन सब फॉलो कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे और उसके बाद लंगर के लिए भी लाइन लगी हुई थी प्रॉपर। और लंगर खा के फिर वहाँ पर एकदम अच्छे से सिस्टम था पूरा, प्लेट्स वेट्स वापस देने का। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर गुरुद्वारे में आके। और अब मैं यहाँ पर साउथ हॉल का थोड़ा जो एरिया है वो एक्सप्लोर करता हूँ कि कैसा है यहाँ पर। तो बहुत सारी दुकानें दिख रही है देसियों की। और ये आ गया क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी फूड्स यहाँ पर बहुत फेमस है। अभी एक आई गेस हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो करीना कपूर और इमरान खान इरफान खान की जो मूवी थी वो यहीं पर शूट हुई थी। मोस्ट ऑफ द सीन्स ऑफ द मूवी वर शॉट इन साउथ हॉल एंड क्वालिटी फूड्स। भैया यहाँ पर ये दुकान पे तो दही पूरी, सेव पूरी, भेलपूरी सब मिल रही है क्वालिटी स्टोर के बाहर ही। यहाँ पर मैगी थोड़ी सस्ती मिल रही है, यहाँ पर एक पाउंड में चार, मतलब 25 रुपए की है, विच इज स्टिल फाइन। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों है यहाँ पर और काफ़ी सस्ता रेट है कम्पेयर टू जहाँ मैं रहता हूँ जोन टू में। और करेले, लौकी और तीखी मिर्ची, कम तीखी वाली मिर्ची, अदरक सब मिल रहा है यहाँ पर, सब देसी सामान जो हमारे देसी खाने में पड़ता है। और पीछे के शेल्फ में भी सब देसी सामान ही है, ब्रिंजल है, मशरूम है, मशरूम तो यहाँ पर बहुत कॉमन है, आमला। और ये पूरा फरसान का सामान, कश्मीरी मिक्स, सेव भुजिया, बूंदी। और ये दिख गया पार्ले जी, एक पाउंड में पांच छोटे वाले, ये वाले बढ़िया है यार। ये पानी पूरी की पूरियां, यहाँ पर मसाले तो लिटरली पूरे भरे हुए हैं, टर्मरिक, हल्दी मिर्ची, नमक, सब टाइप के मसाले, बिरयानी मसाला, चाइनीज़ चाउमीन मसाला, सब सीख कबाब मसाला, हर टाइप का मसाला यहाँ पर मिल रहा है। पूरी आइल भरी हुई है मसालों से, अगरबत्तियाँ भी हैं यार यहाँ पर, ये पूरा अगरबत्तियों का रैक है। ऐसे लग रहा है मैं कोई देसी किराने स्टोर पर आ गया हूँ, लिटरली जो यूके के, लिटरली ये यूके का एक देसी का देसी किराना स्टोर है, सब कुछ देसी सामान यहाँ मिल रहा है यार। लाइन देख सकते हो आप सिर्फ बिलिंग काउंटर में। हाँ, तेल में भी बजाज आलमंड ऑयल, पैराशूट, नवरत्न तेल, इससे ज़्यादा देसी क्या ही हो सकता है। हेड एंड शोल्डर्स, बाप रे, सब का सब देसी सामान है यहाँ पर। बढ़िया सामान मिल गया मुझे इधर क्वालिटी फूड से, थोड़ा नाश्ते वाश्ते का प्रबंध हो गया मेरा। और ये पीछे ICICI बैंक है और सिरा कैश एंड कैरी भी है। और उस बाजू जो भी दुकानें हैं सब कपड़े की दुकानें हैं, जो लहंगे और पता नहीं साड़ी सूट सब, कुर्ते पजामे सब देसी। ऐसे लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है मैं अमृतसर आ गया हूँ, अभी अमृतसर की मार्केट लग रही है पूरी, बस थोड़ा साफ़ सुथरा इंडिया से, बट वाइब्स तो वही हैं, टिपिकल देसी वाइब्स। दुकानों के नाम भी पढ़ पढ़ के मुझे हंसी आ रही है, कुछ कुछ तो एकदम देसी नाम है दुकानों के। और काफ़ी चलता फिरता एरिया है, अभी और आगे जा रहा हूँ, पूरी स्ट्रीट नीचे तक पूरी स्ट्रीट चल के जाऊँगा, देखता हूँ आगे और क्या क्या मिलता है, क्या सामान मिलता है। ये पैलेस शॉपिंग सेंटर पूरा अंदर देसी की, जैसे देसी मार्केट होती है प्रॉपर वैसा है। तो अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो अंदर नवरात्रे का भी सामान मिल रहा है यहाँ पर। और
वहाँ पर सामने है आहार वेज इंडियन रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर अपनी देसी भजियों की दुकान, ये प्राइसेस हैं, यहाँ के पॉज करके देख सकते हैं आप। ऐसे लग रहा है मुझे मैं कोई इंडिया की हिल स्टेशन में आ गया हूँ। थोड़े साफ सुथरे, प्रॉपर वैसी वाइब्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कोई मंदिर लग रहा है ऊपर स्ट्रक्चर से, तो मैं जाके देखता हूँ वहाँ पर एक्चुअल में मंदिर है या नहीं। तो ये है साउथ हॉल का मंदिर, अंदर चल के देखते हैं कैसा। यार कितना ब्यूटीफुल मंदिर बनाया है यहाँ पर, लग ही नहीं रहा है मैं फॉरेन में हूँ। शिव भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, सबकी मूर्तियाँ यहाँ पर, गणपति जी। यहाँ पर इतना खूबसूरत मंदिर है मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे सिर्फ गुरुद्वारे का ही पता था। पर मंदिर देख के भी बहुत अच्छा लगा। अभी जो यहाँ पर जो मेन हाई स्ट्रीट है वहाँ पूरा मैं वॉक करके देखता हूँ और क्या क्या है यहाँ पर। जो जलेबी जंक्शन मुझे इरशान भाई ने बोला है वो भी ढूंढता हूँ कहाँ पर है। और यहाँ पर तो जगह जगह पान की दुकानें भी दिख रही है यार मुझे, लिटरली पान की दुकानें हैं। ये जगह तो मुझे टिपिकली साफ सुथरा मनाली लग रहा है, ठंडी भी है वैसी, और सब देसी लोग हैं, देसी सामान मिल रहा है, और पूरा प्रॉपर शॉपिंग सेंटर है यार ये देसी होगा। पाउंडलैंड है यहाँ पर एक, यशवंती लंदन, ओके, कपड़े की दुकान का नाम यशवंती लंदन। मदान शॉपिंग मॉल, और अंदर पूरा देसी सामान है। यहाँ पर गोलगप्पे, समोसे और गोला भी मिल रहा है मोंगा इसके बाहर। यार अपने देसी लोग यहाँ बाहर आके कितने सेटल हुए हैं ये एरिया में आके पता चल रहा है मुझे। लिटरली आसपास सब देसियों की दुकानें हैं, आसपास लिटरली सिर्फ और सिर्फ देसी लोग दिख रहे हैं, एक भी गोरा नहीं दिख रहा है। और सब देसी सामान मिल रहा है, सब देसी खाने मिल रहे हैं, कबाब क्या बोलो, चाट और भेल, सब कुछ लिटरली सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर। ये आ गया शेरे पंजाब, ये पूरी कपड़े की और इन जनरल नॉर्मल मार्केट है तो लग रहा है। आ गया जलेबी जंक्शन, और यहाँ पर पानी पूरी खाने के लिए लाइन लगी है यार। यहाँ पर कितना डिसिप्लिन है, हमारे यहाँ पर तो भैया से लड़ाई हो जाती है। वेलकम टू अमीरों का मनाली साउथ हॉल। लिटरली यार देखो यहाँ पर सब देसी ही देसी हैं, लिटरली देसियों से भरी हुई है ये मार्केट। यार मेरी मम्मी तो ये व्लॉग देखने के बाद अगली टिकट कटा के यहाँ आ रही है, जितनी यहाँ पर सूट्स की मार्केट्स हैं मैंने जो भी अभी वीडियोस में बताई हैं, पक्का बोल दो अगली टिकट कटा के मम्मी आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ की शॉपिंग सेंटर देखने को। मेरी मम्मी को शॉपिंग का बहुत शौक है यार। आई कांट बिलीव दिस इज़ यूनाइटेड किंगडम, आई कांट बिलीव इट। जिस हिसाब से यहाँ पर मुझे सब देसी दिख रहे हैं और जिस हिसाब से यहाँ का माहौल है, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैं अभी यूके में हूँ। तो अपने ब्राउन मुंडे जहाँ भी चले जाएं उनकी आदतें तो नहीं बदलती हैं, टॉप डाउन करके, ग्लास डाउन करके जोर जोर से गाने यहाँ पर भी बजाने, वो भी पंजाबी गाने। लिटरली मैंने कितनी सारी गाड़ियाँ देख ली हैं जिनमें पंजाबी गाने बज रहे हैं और फुल टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर लोग, फुल अच्छे मूड। आज संडे का भी दिन है तो काफ़ी लोग बाहर निकले हैं। सो फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू साउथ हॉल। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही देसी वाइब्स थी, बहुत ही घर जैसी वाइब्स थी। मैं कोशिश करूँगा कि महीने में एक बार तो यहाँ पर आ ही जाऊँ, इतने जल्दी इंडिया तो नहीं जा सकता बट यहाँ आके इंडिया की वाइब्स ले लूँ। और ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 घंटा ही है मेरे घर से, तो आ जाया करूँगा जब भी मौका मिले तभी, और यहाँ पर आके थोड़ा देसी खाना भी खा लूँगा। ऑल दो आज नहीं खाया, मैंने लंगर खा लिया था तो मेरा पेट भर गया था। अगली बार आऊँगा तो सरवाना भवन है वहाँ और जलेबी जंक्शन जो है वहाँ पर, दोनों जगह पर जाके खाऊँगा। आज देख के आया हूँ, अगली बार आऊँगा तो खा के जाऊँगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो घूमो फिरो ऐश करो।